नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सिरडी महाराष्ट्र में फंसे सीतापुर व लखीमपुर जनपद के श्रमिकों को सरकार के द्वारा उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन में आई तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को सीतापुर ही रुकना पड़ा, जो लखीमपुर जा रही थी। सभी श्रमिकों व ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी मौके पर मौजूद मिले। जिला प्रशासन के द्वारा सीतापुर के श्रमिकों को ट्रेन में ही रोक दिया गया व लखीमपुर जनपद के सभी यात्रियों को बसों के माध्यम से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध सीतापुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। इस दौरान जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने सभी श्रमिकों के खाने पीने का प्रबंध भी कराया है। लखीमपुर के श्रमिकों को खाने पीने के प्रबंध कर उनके यातायात की भी व्यवस्था की गई है। सीतापुर के श्रमिकों को ट्रेन में ही रोक कर रखा गया है, जिससे उन सभी श्रमिकों का परीक्षण करने के बाद सभी को क्वारंटाइन करने के बाद ही वापस उनके घर भेजा जाएगा। सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा इस आपात स्थिति में किया जा रहा पूरा समर्थन। जिला सीतापुर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जनता की सेवा में लगा हुआ है। महाराष्ट्र से आए। ट्रेन से आए, ट्रेन टिकट उकट है? पैसा हमको नहीं मिला, लखीमपुर से राम नरेश। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। ईंटें पात रहे थे वहाँ, 5-6-7 साल से, 6 महीने से। मतलब आप लोग आए हैं वहाँ, क्या मुश्किलें पैदा हुई आपको? वहाँ कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा था, इसीलिए मैंने वहाँ से भगा छोड़े गए हैं। ठीक है, किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं, किससे आए हैं? मालिक के माध्यम, क्योंकि सरकार जो कर रही तो अच्छे के लिए कर रही, वहाँ से निकाला। ठीक है, क्योंकि जो सुविधा है तो अच्छे के लिए दिया, वहाँ से निकाला। कोरोना पॉजिटिव बहुत था। यहाँ जब आए हैं आप, कहाँ आप जाने को है आप? हमको जिला लखीमपुर खीरी जाने को है, महवागंज गांव में है। किराया पड़ा है टिकट 605 रुपये। मतलब मालिक ने दिए थे कि टिकट कटाकर, हमने नहीं कटाया है। कितने लोग लगभग आपके साथ आए? हमारे साथ कम से कम 1200-1300 आदमी आए हैं। जी ज़्यादा लखीमपुर ज़िले के सब नहीं हैं, थोड़े बहुत सीतापुर के हैं, बाकी ज़िले के बाकी सब लखीमपुर के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराम है, हंसराम निषाद। सिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र से ये लखीमपुर और सीतापुर जनपद के श्रमिक यहाँ पे आए हैं। ये ट्रेन स्पेशल रूप से श्रमिक स्पेशल के रूप में आई है। पहले ये लखीमपुर खीरी जाने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण ये सीतापुर में ही इसको रुकने की का आदेश हुआ था, और यहाँ पे आज ये ट्रेन 10 बजे के करीब आई है। और उसमें जो सीतापुर के पैसेंजर हैं उनको उसी में बोगी में ही अभी बैठाया गया है, और लखीमपुर खीरी के जो पैसेंजर हैं उनको उतार करके और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें कतारबद्ध तरीके से 1 मीटर की दूरी पर बसों में बैठाया जा रहा है। इसके साथ ही उनको भोजन की सामग्री, फल और पानी की भी व्यवस्था की गई है, जो उन्हें प्रदान किया जा रहा है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन का पूरा आपस में सहयोग करके ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये सब कुल कितने लेबर आए होंगे? लगभग 1200 के आने की सूचना थी, लेकिन अभी उनको बसों में बैठाया जा रहा है
और बसों में ही उनकी गिनती की जा रही है, बाद में यह संख्या मालूम हो पाएगी। लखीमपुर के लिबरों की यहाँ स्क्रीनिंग नहीं की गई है, क्या कारण है? कारण ये है कि लखीमपुर के जो लेबर हैं ये लखीमपुर में जाएंगे। पहले ये ट्रेन लखीमपुर ही जाने वाली थी, तो वहाँ पे ये तय हुआ था कि सीतापुर के लेबर को हम बिना स्क्रीनिंग के भेज देंगे और यहाँ पे आप डिटेल करा लीजिएगा, लेकिन वो ट्रेन वहाँ पे नहीं जा पाई। वहाँ पे उनकी डिटेल व्यवस्था है स्क्रीनिंग कराने की, उनके डॉक्टर्स हैं और समय की भी बचत हो जाए, लोग परेशान न हों, इसलिए उनकी स्क्रीनिंग जो है वो नहीं की गई है। वो बसों में बैठ रहे हैं और जब लखीमपुर खीरी जाएंगे तो वहाँ पर उनका डिटेल स्क्रीनिंग किया जाएगा। उनके सारे अधिकारी लखीमपुर खीरी जनपद के और उनका स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है जो बसों में बैठा रहा है और उनको ले जा रहा है। ये सब रेलवे द्वारा तो उनसे श्रमिकों से किराया लिया गया, क्या रोडवेज बसों से भी उनको जो भेजने की? नहीं, रोडवेज बसों से कोई किराया पिछले काफ़ी दिनों से नहीं लिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सबको किराए से मुक्त कर रखा है और कभी भी किसी रोडवेज बस से किसी पैसेंजर का किराया नहीं लिया गया।